फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिसैंथेमम का बॉन्साई आपको कैसे बनाना है। मतलब कि जो गुलदाउदी होते हैं उनका भी बॉन्साई बनते हैं, और इस तरह प्लांट जो कि एक सीजनल प्लांट है, विंटर फ्लावर है, इनका कैसे आपको बॉन्साई बनाना है। और इस बारे में मैंने 2018 में वीडियो के ऊपर काम करना शुरू किए थे, और आज 2020 में वीडियो ख़त्म हुआ है। मतलब कि लास्ट 2 साल से मैं इस प्लांट के ऊपर काम कर रहा था, बॉन्साई के ऊपर, और 2 साल में मैंने वीडियो कंप्लीट हुआ, और आज इसका फाइनल अपडेट मैं आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो बहुत लेंदी है, तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ तक वीडियो है, लेकिन ऐसा वीडियो हो सके कि आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग के बारे में बहुत ही सीरियस है, अगर आपको गार्डनिंग का लर्निंग वीडियो देखना पसंद है, सिर्फ बोलने वाला वीडियो नहीं है, ये प्रैक्टिकल वीडियो है, और इसमें 2 साल का जितना भी काम इसके ऊपर हुआ है सभी का अपडेट मैं विद डेट दूंगा, और इस 2 साल में जितना सारा प्रोसेस से प्लान गुजरा है और आपको क्या क्या करना है, अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में आप इस तरह प्लान कर सकते हैं। 2018 में जब मैंने क्रिसैंथेमम लगाए थे, उसी के एक मदर प्लांट को मैंने सेव करके उस मदर प्लांट से 2 साल के अंतर में उसमें से एक क्रिसैंथेमम का बॉन्साई तैयार किए हैं। हालांकि आप 1 साल में कभी भी क्रिसैंथेमम बॉन्साई तैयार कर नहीं पाएंगे, मिनिमम आपको 2 साल वक्त लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो आफ्टर फ्लावरिंग जो मदर प्लांट रहते हैं उनमें से आपको एक अच्छा मदर प्लांट को आपको सेलेक्ट करना है, और जिसको आपको बाद में एज ए बॉन्साई में कन्वर्ट करना है। क्रिसैंथेमम मतलब के जो गुलदाउदी, और बंगाली में इसको बोलते हैं चंद्रमल्लिका, और इन फ्लावर का बॉन्साई बहुत ही रेयर है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है कितना इसको करना इतना मुश्किल है, वो करने का कोई रिस्क नहीं लेता है। क्रिसैंथेमम मतलब के जो गुलदाउदी होते हैं इनका जो बॉन्साई होते हैं वो जापान में बहुत पॉपुलर है, और जापान में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। मैंने उनकी तरह तो कर नहीं पाए, लेकिन मेरी तरह एज ए बिगिनर मैंने कोशिश की है, और आप लोग देख चुके हैं, और उस प्रोसेस को मैं दोहराऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इंडिया में इसका बॉन्साई पहले हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका बॉन्साई किए है, लेकिन उसका वीडियो बना के लर्निंग वीडियो अभी तक किसी ने बना नहीं है। और मैंने कोशिश की है कि मेरा जितना भी नॉलेज है, जितना भी मुझे डाटा मिले है, और मैंने प्रैक्टिकल इसको करने का कोशिश की है, और उन दौरान जो कोशिश करते करते जो मुझे फेस हुआ है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पहले तो फ्लावरिंग के बाद आपको किसी अच्छे मदर प्लांट को इस तरह सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको प्रूनिंग स्टार्ट करना है। हालांकि आपको देखना है जो बिग पॉट में मदर प्लांट होते हैं, जैसे कि 12 इंच का पॉट, इन सब में जो हम लोग फ्लावरिंग करते हैं उनमें से क्या होगा, जो बिग प्लांट होते हैं उसका जो ट्रंक होता है बहुत ही मोटे टाइप के होते हैं, तो आपको थोड़ा थिक ट्रंक आपको चूज़ करना है, और जिनका ब्रांचेस अच्छे हैं तो उस तरह ब्रांचेस को आपको इस तरह के प्रूनिंग करके रखना है। मैंने 2 प्लांट के ऊपर काम शुरू किए थे, और 2 प्लांट में प्रूनिंग के बाद मार्च में फिर प्लानिंग फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरह फ्लावरिंग आपको करना हो तो आपको शेड का ज़रूरत है, मेरे प्लान ओपन साइलेंट में था, लेकिन अगर आप चाहे तो आफ्टर फ्लावरिंग आप मार्च में एक बार क्रिसैंथेमम का फ्लावरिंग ले सकते हैं, और इसके लिए आपको पॉली हाउस का ज़रूरत है। लेकिन विंटर में जिस तरह फ्लावरिंग होते हैं तो उस तरह फ्लावरिंग नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो समर गार्डन होता है, समर गार्डन शुरू हो जाता है, तो उस टाइम में गर्मी जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो फ्लावरिंग आने के बावजूद भी उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं होते, तो आपको ग्रीन हाउस का ज़रूरत है। इस तरह बारीकी से प्लांट को प्रूनिंग करने के बाद आपको कुछ महीना का अंतर उसको फिर से प्रूनिंग करना है, जैसे मैंने की है। आप डेट देख सकते हैं, और उसी डेट के अंतराल में हमने प्रूनिंग की थी, और आपके हिसाब से हो सकता है कि आपका जो वेदर है उसके हिसाब से आपका डेट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो जो आइडिया है वो एक ही है,
लेकिन मेरे पास शेड नहीं था, मतलब के पॉली हाउस नहीं था। लेकिन पॉली हाउस होने से क्या होता है, बारिश का डर रहता है। अगर मेरे पास पॉली हाउस होता तो रिज़ल्ट और भी अच्छे होते। हालांकि मैंने दो प्लांट के ऊपर काम शुरू किए थे, लेकिन अंत में जाके मैं एक ही प्लांट को बचा पाया। लेकिन अगर आप इस तरह बॉन्साई के ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले एक पॉली शेड का इंतज़ाम करना है, नहीं तो बारिश में इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि बॉन्साई करना और मदर प्लांट को कटिंग्स के लिए सेव करना दो अलग चीज़ है। कटिंग के लिए मदर प्लांट को सेव करना बहुत ईजी होते हैं, लेकिन उसको एज ए बॉन्साई आपको रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और मैंने बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की है उनमें से सबसे जो प्रॉब्लम मुझे लगा है वो है बारिश। क्योंकि आप जब उसमें प्रूनिंग करते हैं ब्रांचेस को, प्रूनिंग करने के तुरंत बाद मैंने इसमें फंगिसाइड स्प्रे की है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बरसात के दिनों में बारिश का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, मतलब कि बहुत बारिश होने के कारण उसमें डाईबैक स्टार्ट होता है। तो मेरे एक प्लांट के साथ ऐसा हुआ है और एकदम सीजन के अंत में जाके वो मर चुका है, लेकिन एक प्लांट को मैं बचा पाया। अब देखिए कितनी बार बार मैंने प्रूनिंग की है, और हर बार प्रूनिंग के बाद आपको देना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट को सही ग्रोथ देने के लिए जो ब्रांचेस ऑलरेडी पुराना ब्रांचेस है उसमें से आपको नया स्प्राउट करवाना है, मतलब कि आपको फर्टिलाइज़र ऐड करते जाना है। आप देखिए, आप नीचे डेट देख सकते हैं, और उसमें हर दो महीना एक महीने का अंतर आपको इस तरह से उसका प्रूनिंग करना है। लेकिन जब मुझे लगा कि विंटर आने वाला है, मतलब कि अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर में मैंने इस प्लांट को एज ए बॉन्साई पॉट में इसको शिफ्ट किया, और आपको बॉन्साई सॉइल में इसको देना है। अगर आपने बॉन्साई सॉइल कैसे तैयार करना है उस तरह वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर में क्लिक करके आप बॉन्साई सॉइल का वीडियो देख सकते हैं। इस तरह बॉन्साई पॉट आप लीजिए, आपका जो प्लांट का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप विचार कीजिए। आप थोड़ा अंदाज़ा लगे, जो मेरा बॉन्साई पॉट है तकरीबन 14 इंच इसका लंबाई है और 10 इंच इसका जो विड्थ है। और इस तरह बॉन्साई की तरह आप उसको फिट कीजिए, और फिट करने के बाद बॉन्साई सॉइल के साथ इसको लगा दीजिए। आपको अगर आपका जो प्लांट है उसका साइज़ आपको देखना है कि आपको कौन सी तरफ उसको ढालना है, कौन सी तरफ आपको रखना है। आपका बॉन्साई का जितना भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको पॉट में इसको फिट करवाना है। आप देख सकते हैं, हर बारिश के बाद मैंने इसमें फंगिसाइड ऐड किए थे, और फंगिसाइड ऐड करना, स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि होता है कि बारिश के बाद इसमें अचानक से फंगस लग जाते हैं। अभी सवाल है कि आपको लास्ट जो हम कट मर रहे हैं, मतलब कि प्रूनिंग कर रहे हैं, तो प्रूनिंग का डेट लास्ट प्रूनिंग कितना होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जो गुलदावरी लगाते हैं उनमें क्या होता है, जो मेरा जो एरिया है कलकत्ता के आसपास, इनमें से मेरा जो लास्ट प्रूनिंग का डेट होता है वो होता है नवंबर का 5 तारीख। हालांकि कुछ वैरायटी में थोड़ा आगे या पीछे होता है प्रूनिंग का लास्ट डेट फॉर फ्लावरिंग, लेकिन आपका जो वेदर है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सभी जगह का जो वेदर टेम्परेचर है अलग अलग टाइम में सीजन आते हैं, थोड़ा सा 15 या 20 दिन का अंतर हो सकता है, तो उस हिसाब का आपका वो लास्ट प्रूनिंग का डेट थोड़ा चेंज हो सकता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं क्या आपको बता दूँ कि नवंबर का 5 तारीख ही इसका डार्ट प्रूनिंग डेट हो। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, जो किसान था मिशन 1000 था 2019 का, वो भी आप पीछे देख सकते हैं, 2019 में हमने स्टार्ट किए थे और 2020 में ख़त्म किए थे किसान था मिशन 1000। और लेकिन मैंने जो इसका जो काम शुरू किए थे 2018 में शुरू किए थे, मतलब कि किसान था मिशन 1000 के पहले को जो सीजन था उस सीजन का प्लांट है। लेकिन इस सीज़न का जो फ्लावरिंग था वो मेरा जो लेटेस्ट सीरीज़ था किसान थम मिशन 1000, उनके साथ इसका फ्लावरिंग हुआ है। अक्टूबर के बाद नवंबर आते आते मेरा एक प्लांट बारिश के कारण ऑलरेडी ख़राब हो चुके, मतलब कि मेरा एक किसान थम बॉन्साई ऑलरेडी मर चुके थे, और मेरे पास केवल एक ही प्लांट थे। शायद मेरे पास शेड होता तो शायद बारिश के कारण मेरा प्लांट चला नहीं जाता। उसके बाद जब मैंने दिसंबर आया तो मुझे लगा कि मेरा जो बॉन्साई है थोड़ा बहुत लुक ले चुके हैं, और मेरे पास एक पहला एक्सपीरियंस था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था, कोई भी यूट्यूब में डिटेल वीडियो इसके बारे में नहीं है कि इस तरह बॉन्साई के कैसे तैयार की जाए। लेकिन जब
दिसंबर का ठीक एंड आया तो एक बारिश और इसने फेस किए और कुछ कुछ ब्रांचेस जो था उसका शेप भी ख़राब होने लगे, तो मैंने मजबूरन कुछ ब्रांचेस को रिमूव किए थे। और सिर्फ तब कैलियोस से भरा हुआ प्लांट था और मुझे फ्लोरिंग का इंतज़ार था। और उसके बाद जब जनवरी 2020 में इसमें जो फ्लावर था वो थोड़ा थोड़ा आने लगे और प्लांट फूलों से भरने लगे। और दोस्तों जितना भी दिन जाते रहा इसमें जो बर्ड्स थे वो खिलने लगे और इसमें जो फ्लावर का संख्या है वो भी बढ़ने लगे। ऐसा लगा कि मैंने कोई आविष्कार कर डाला और वो आविष्कार का आनंद था मन में। और जितना भी दोस्त था सभी आए क्योंकि सभी के लिए ये प्लांट नए थे। हालांकि मेरे पास क्रिसेंथम 1000 का 1000 फ्लावर वाला क्रिसेंथम था, लेकिन इसका जो अलग सा कुछ चीज़ था जो पहली बार मैंने देखा और दोस्तों को भी दिखाया। मैं उतना बड़ा बॉन्साई मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक छोटा सा कोशिश की है और मेरा जो एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ शेयर किए है। हो सकता है मैंने भी बहुत सारे गलतियाँ की है क्योंकि इस तरह बॉन्साई के ऊपर काम मैंने पहली बार ऑनलाइन में स्टार्ट की है। और आगे जाके मेरा कोशिश जारी रहेगा कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन और लर्निंग वाला वीडियो लाऊं ताकि आप उसको अपने घर में अप्लाई करके कुछ कर पाए। फ्रेंड्स, मेरा रिसर्च डेवलपमेंट जारी रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाऊं। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। शुभ रात्रि।